ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम तम नमामि शनिश्चरम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री होना। शनि को मनाए सदा सुख पाए शास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़े विशिष्ट तौर पर शास्त्र में कथाएं आती हैं और ये शनि महाराज जो हैं समस्त जीव का कल्याण करने वाले हैं। शनि कभी भी किसी को अनैतिक परेशान नहीं करते, लोग समझ नहीं पाते और शनि को दोष देते चले जाते हैं। शनि तो हमारे कर्म के अनुसार से, कर्म कब किया गया, कैसे किया, कर्म कई प्रकार के होते हैं, मनसः वाचा कर्मणा, किस जन्म में किया, कहाँ अभोग्य कर्म रह गए, कब उनका भोग प्राप्त होना है, ये सब चीज़ बड़ा गहन अध्ययन का विषय है। खैर, मीन राशि वालों के लिए जो समय इस वक्त चल रहा है बड़ा विचित्र है और आपके लिए हम समझें कि शनि का परिवर्तन जो है जो साढ़े साथी आपके ऊपर चल रही आरंभ हो चुकी है, लेकिन उसका पहला पदार्पण जो है ये आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के लाभ देने के योग बना सकता है। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कुंभ राशि में 12वें भाव में चलते हुए जो शनि है वो विशेष तौर पर कहा जाता है कि मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर धन का संचय करा सकते हैं, धन का संचय करा सकते हैं, प्रसन्नता उदय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, योग बनाते हैं और साथ साथ रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी दे सकते हैं। लेकिन खट से अभी बैठे बैठे लोग मेरे पर कटाक्ष करना शुरू कर देंगे हम पर कि महाराज नहीं मिला, 1.5 साल हो गए शनि महाराज यहाँ उपस्थित होते हुए, नहीं मिला, शनि ने नहीं दिया हमको। अरे दिया तो पता नहीं क्या क्या हो, क्या आप पकड़ पाए ये स्थिति आप समझें। दुर्योधन के जीवन में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए सही दिशा पे डालने के लिए, गेंद आ रही थी क्या दुर्योधन ने पकड़ी, कहा कि 5 गांव दे दे, सही बुद्धि जगाने का प्रयास किया और खत्म कर, निष्कर्ष कर, खत्म कर, राज्य कर अपना भोग। भगवान को पता था नहीं मानने वाला क्योंकि चढ़ा हुआ है शनि महाराज सिर पर। तो आपको भी इसी प्रकार का, आपके भाग्य में पता नहीं ग्रहों नक्षत्रों का योग किस प्रकार से है जो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन शनि महाराज की शास्त्र के दृष्टिकोण से युति जो है कि जब मीन राशि वालों को कुंभ में शनि आते हैं तो ये स्थिति इस वक्त अवश्य देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, साढ़े साथ ही चल रही हो तब भी ये योग बना सकते हैं, विशेष तौर पर कहीं ना कहीं से खुशी सुगुण प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहों का दोष है, कहीं ना कहीं कर्म में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं, तो आपको वही रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। 1.5 साल हो चुके हैं शनि महाराज यहाँ आए हुए और अब 29 जून को शनि होने जा रहे हैं वक्री, आपको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि क्यों नहीं मिला। और शनि के वक्री होते ही 29 तारीख को विशेष तौर पर जो वक्री होंगे और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी अंश में घटेंगे। जो शनि आगे चल चुके हैं धीरे धीरे जिन जगह जा चुके हैं, यानी हम जहां जहां ट्रेवल कर चुके हैं वहां पर हम वापस आएंगे और फिर दोबारा उसी में ट्रेवल करेंगे, यानी हमको उन पलों को पुनर्जीवन जीने का अवसर मिलेगा, यानी वो लक्ष्य जो हम भेदने से चूक चुके हैं उनको पुनः भेदने का, उनको पुनः प्राप्त करने का। जो शनि महाराज हमारे लिए सुख देने के योग बना रहे थे, जो धन लाभ के अवसर बना रहे थे और हम उस गेंद को पकड़ नहीं पाए, हम उन खुशियों को अपने अकाउंट में जमा नहीं कर पाए, जो बैलेंस को हम बढ़ा नहीं पाए, ये शनि का वक्री होकर पुनः मार्गी होना, 15 नवंबर के बाद मार्गी होंगे, उस इन आगे और पीछे होने में वो अपॉर्चुनिटीज पुनः हमारे अकाउंट में आ सकती हैं। अब हमको उनको प्राप्त करना है सद्बुद्धि को जगाकर। एक बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, भूल जाए, गलती हो जाती है, ग्रह में वही अध्ययन। शनि महाराज क्या होता है, जज साहब जो ऊपर बैठे होते हैं कई बार कहते हैं व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। मूर्ख है जो सुधर उसके बाद भी कहते हैं फिर वही डाक के 3 पात, नहीं मैं तो वही पीऊंगा, मैं तो वही उसी रास्ते पर चलूंगा। शराबी देखा है आपने कि कहता है नहीं नहीं बहुत गलती हो गई, मैंने पी ली थी, अब मैं नहीं पीऊंगा, आगे जाके बड़ी गलती है, उससे पता नहीं गड्ढे में गिर जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी शाम को शुरू हो जाता है। तो ऐसों को कुछ नहीं सुधार सकते, लेकिन जो बुद्धिमान है सदुपयोग, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप समझने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि जो इन 1.5 सालों में जो चीज़ें आपके हाथ से चूक होकर निकल गई, तो देव कृपा से, परमात्मा की कृपा से, बृहस्पति महाराज ने इतना सुंदर योग बनाया है, देव कृपा से, भगवती दुर्गा की उपासना कर कर, नित्यपति आगे गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इसी दौरान इन साढ़े चार महीने पड़ेंगे दुर्गा के, 2 एक नवरात्र पड़ेंगे शारदीय नवरात्र और 1 भगवान का स्तवन,
माँ दुर्गा की कृपा से आपके भाग्य जाग सकते हैं। धनु राशि ये विशेष तौर पर हम बात करें, मीन राशि वालों नोट कर लो, फिर मत बोलना कि ये चीज़ें नहीं बताई थी। ये भाग्य से 30 साल बाद समय आपके लिए आया है, 30 साल बाद। 30 साल बाद यदि इस एक वर्ष को आपने यूटिलाइज कर लिया तो याद करोगे कि हमने आपको ये बात बताई थी। लोग बैठे हुए हैं आपको नग बेचने के लिए, लोग बैठे हुए टोट के बताने के लिए, लोग बैठे हुए हैं आपको जेब खाली कराने के लिए, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक रीऑर्गेनाइज करके, लोग पता नहीं क्या क्या बताना चाहते हैं, शनि उल्टा हो रहा है, शनि उल्टा चढ़ रहा है। अरे भैया महाराज, शनि महाराज ने आपके लिए भाग्य जगाने के लिए, शनि महाराज साक्षात कृपा करने वाले हैं, शनि के स्तोत्र में प्रार्थना की जाती है, तुष्टो ददासि वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। युत्यम शनि को योगरथ कहा गया है, शनि को न्याय अधिकारी कहा गया है, आपके ऊपर कृपा करने के लिए सुंदर योग बन रहा है देव कृपा से। समझ लो, माँ भगवती दुर्गा की उपासना से, हनुमान जी कृपा से, शनि स्तोत्र पाठ कर आप इस समय को यूटिलाइज कर लेना, विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। और ये जो स्थिति है शनि महाराज के लिए, आपके रास्ते अच्छे रहेंगे, धन सुलभ हो सकता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, ज्योतिष दृष्टिकोण, ज्योतिष के जो विशेष तौर पे नियम है, शास्त्र के जो सिद्धांत है, वो गलत नहीं हो सकते, हम गलत हो सकते हैं कि हम उनको अपॉर्चुनिटी को लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ईश्वर आप पर हमेशा सदकृपया बनाने के लिए रास्ता बनाए जाते हैं, हम मूर्ख हैं जो उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने सोए पड़े रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। शनि इस वक्त वह भाव में चल रहे हैं आपके, आप खुद जुर्माना अपने ऊपर बनाने करने को तैयार बैठे, देव कृपा तैयार है आपके लिए ऊपर, ये सुंदर योग है आपके लिए, तो सुंदर तरीके से इस समय को सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आपने कर लिया तो वारे न्यारे करा सकते हो, शनि स्तोत्र का पाठ करो, दुर्गा जी का ध्यान रखना, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, ये भूल ना जाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सतचंडी का पाठ विशेष तौर पर करने का प्रयास करो। अभी शारदीय नवरात्र आएंगे, अनन्य श्रद्धा के साथ दाव लगा के देख सकते हो, शर्त लगा के कह रहे हैं हम आपको कि यदि आपने माँ भगवती दुर्गा और यज्ञ की शरण ले ली इस समय में मीन राशि वालों, आपके वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता है। सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष है, अपनी मूल जन्मपत्रियों को समझते हुए हमने आपके गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों को बताने का प्रयास किया है। यदि आपने सही रूप से समझ लिया तो वारे न्यारे अवश्य होंगे, चिंता मत करो, ग्रह परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगे। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासु संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा, तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया, उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है। और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से इसका नित्य प्रतिस्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। ठीक है, शनि में गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीगंध निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश
शुजटाय च नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो गौराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्धक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृस्तृंशाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञान चक्षु नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तच्छणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहो अम्मुपागता एवं अस्तु तदा सौरि ग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है, इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्रि का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक ने हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें, यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे, वो भी मुक्त हुए। तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है, तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पर विडंबनाएँ उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है, भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तो आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे, अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें, तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा, ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है, उस वक्त ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए, देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे।
हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हजारों जो लोग वर्षों से आते हैं हमारे पिताजी आचार्य ऋषिकेश्वर देव जी के सानिध्य में रहकर हजारों लोग उनके साथ जुड़े रहे, आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हमने अनुभव करके देखा उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है, तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।